हेलो फ्रेंड्स, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट वन। तो आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे हिंदी सब्जेक्ट में। तो ये है प्रश्न नंबर वन, निम्न में से सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। मतलब कि यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन तीन ऑप्शंस में से कौन सा सही है उस पर आप इस प्रकार से राइट का क्लिक करेंगे। तो पढ़ते हैं हम, बोलते समय हमारे मुख से निकलती है। जब हम बोलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, तो बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलता है? शब्द निकलते हैं, वाक्य निकलते हैं, या फिर ध्वनियां, क्या निकलता है? तो बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है। क्या निकलती है? ध्वनियां। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? आपको इसके पहले जो पिछला जो वीडियो बनाया था हमने, जो वर्ण विचार पार्ट दो, उसमें आपको हमने वर्ण के बारे में समझाया था। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 44, 46 या 52। तो हमें बताना है कुल वर्ण, कुल कितने वर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? कुल वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला में 52 कुल वर्ण होते हैं। उसके बाद थर्ड है, रात का विलोम होता है। विलोम, विलोम शब्द, उसमें आपको विलोम शब्द बताना है जो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो विलोम शब्द का अर्थ, रात का विलोम क्या होता है? दिन, शाम या फिर सुबह। तो रात का विलोम क्या होगा? रात, दिन। रात का विलोम क्या होगा? दिन। उसके बाद नंबर फोर, क्रिया के भेद होते हैं। क्रिया के भेद होते हैं। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, या चार भेद होते हैं, ये आपको बताना है। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं बताइए? हाँ, क्रिया के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। तो हम यहाँ पर नंबर वन जहाँ पे लिखा है दो, यहाँ पे राइट का क्लिक करेंगे और इस प्रकार से राइट का सही का चिन्ह लगाएंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन से होते हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसके बाद चलते हैं नंबर फाइव, एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसे ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द, मुहावरा या फिर विलोम, क्या कहलाता है? बिल्कुल सही, विलोम। यहाँ पे जो थर्ड नंबर का है, यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। विलोम मतलब कि एक दूसरे का विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ मतलब कि यहाँ पे एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि दिन का रात, यहाँ पे दिया गया रात का विलोम क्या है, तो हमने क्या बताया? रात का विलोम दिन ही। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है नीचे कि एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विलोम, विलोम शब्द। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, स्वरों की संख्या होती है। नंबर सिक्स, स्वरों की संख्या होती है। स्वरों की संख्या होती है, तो स्वरों की संख्या यहाँ पे बताई गई है 9, 10, 11। नंबर वन 9, नंबर टू 10 और नंबर थ्री 11।
उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें एक तो क्रिया के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद अपना का विलोम होता है। अपना का विलोम क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे अपना का विलोम होता है। अपना का विलोम क्या होता है यहाँ पे हमने नंबर वन ऑप्शन लिखा है पराया, उसके बाद लिखा है देना, उसके बाद लिखा है बुरा। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। अपना का विलोम होता है पराया, क्या होता है पराया, तो हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगाया है। सॉरी हमने यहाँ पे भी नहीं लगाया था चिन्ह, 11 स्वरों की संख्या होती है 11। उसके बाद अपना का विलोम होता है पराया। तो जो ऑप्शन सही है उस पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बारी आती है कविता की, तो कोई भी कविता की चार लाइनें लिखना है, तो आप किस कविता की चार लाइनें लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है मेरा घर, प्रश्न नंबर 2, मेरा घर। मेरा घर कविता, तो मेरा घर कविता की आपको चार पंक्तियां लिखनी है। यह कविता हमने आपको पहले भी समझाई थी कि इस कविता में आपको क्या करना है, तो हम एक बार फिर से इस कविता को पढ़ लेते हैं और आपको भी कविता अच्छे से याद करनी है और यही इसी कविता की आपको चार लाइनें एग्जाम में लिखना भी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन पहली पंक्ति, मुझको ऊंची नीले हवेली, या मिल जाए राजमहल, मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो जाए, छप्पर की कुटिया हो जाए, पेड़ों की छाया शीतल, तो मैंने है सॉरी पेड़ों की छाया शीतल। तो हमें यहाँ पर कविता की चार पंक्तियां लिखना है, तो आपको भी मेरा घर कविता की चार पंक्तियां अच्छे से याद करना है और उसे लिखना होगी। तो मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे, पेड़ों की छाया शीतल, मतलब कि मुझको भी ऊंची हवेली मिले या फिर मुझे राजमहल मिल जाए, छप्पर की कुटिया हो जाए, चाहे छप्पर की कुटिया, कुटिया मतलब झोपड़ी, चाहे छप्पर की कुटिया मिल जाए, या फिर पेड़ों की शीतल छाया, मतलब कि इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से एक बच्चा क्या कहना चाह रहा है कि मुझे
पत्थर की कुटिया उछाल है, पेड़ों की छाया शीतल, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे वो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। मतलब कि या तो मुझे हवेली, राजमहल, कुटिया या पेड़ों की शीतल छाया मिल जाए, लेकिन इन सभी जगह में से अगर कहीं पर भी अगर मेरी माँ नहीं रहती है तो ये मेरे घर नहीं बनेंगे। मतलब आपको फिलहाल यह चार पंक्तियाँ कविता की करना है तो ये अच्छे से कर लेना। इसके अलावा मैंने आपको जो सही विकल्प बताए हैं आज पार्ट वन में, तो ये सही विकल्प ये रिविजन के हिसाब से आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।